नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः एसबी एजुकेशन अड्डा में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे औसत और हमने यहाँ पर तीन पार्ट पढ़ लिए थे। आज हमारा चौथा पार्ट है और चौथे पार्ट का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में छात्राओं के अंकों का औसत 73 है और छात्रों के अंकों का औसत 71 है तथा पूरी कक्षा का औसत कितना है, 71.8 है, तो छात्राओं का प्रतिशत क्या है, हमें यह ज्ञात करना। तो देखो, यहाँ पर जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, यानी छात्राएं हैं, उनका औसत कितना है, 73 है, ठीक है। और जो छात्र हैं बॉयज, उनका एवरेज कितना है, उनके अंकों का एवरेज है 71, ठीक है। और क्लास के सभी पूरी कक्षा का मिलाकर के एवरेज कितना है, 71.8 है, ये पूरी कक्षा का एवरेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक मिश्रण का जो नियम लागू होता है, जिसे हम क्रॉस में माइनस करेंगे, ठीक है ना, 73 में से 71.8 घटाऊंगा मैं तो कितना बचेगा, पीछे 1.2 बचेगा, और 71 में से 71.8 माइनस करूंगा तो आप कहेंगे कि -0.8 बचेगा, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ प्लस ही रहेगा सारी चीजें। तो यहाँ 71 में से 71.8 माइनस करेंगे तो क्या पीछे क्या बचेगा, 0.8 बचेगा, ठीक है। अब मैं पॉइंट को पॉइंट से हटा देता हूं, तो यहां बच गए 8 और यहां बन गई क्या, 12, ठीक है ना। यहाँ ये जो 8 है वो 4 के पहाड़े से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार, और ये 4 के पहाड़े से 12 3 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो लड़कियां हैं उनका जो एवरेज का रेशियो आया वो कितना आया, 2 आया है, और लड़कों का कितना आया, 3 आया, ठीक है ना। तो पूरी क्लास का रेशियो है वो योग के बराबर किसके बराबर होगा, 2 और 3, यानी 5 के बराबर इनका क्या हो जाएगा, योग, एवरेज का योग हो जाएगा रेशियो में, ठीक है ना। अगर टोटल पूरी क्लास का रेशियो किसके बराबर है, 5 के बराबर है रेशियो में, पूरी क्लास का एवरेज है उसका रेशियो में किसके बराबर है, वो 5 के बराबर है, और लड़कियों का कितना है रेशियो, 2 है, आपको पूछा है प्रतिशत, छात्राओं का प्रतिशत पूछा है, तो आप गुणा किससे करेंगे, 100 से, तो गुणा कर दोगे आप 100 से, 5 को अगर 100 से कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 20 बार कैंसिल हो जाएगा, और 20 को 2 से गुणा करने पर आपके पास आ जाएगा 40%, जो कि क्या है, छात्राओं का प्रतिशत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मापनों का औसत 20 है, जब ए को प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए तो औसत 22 हो जाता है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर क्या है, कोई 4 मापन है, जैसे ये कोई 4 मापन है, मापन में समझो कोई भी 4 माप है, कोई भी चीज के 4 माप है, ठीक है। उनमें क्या किया है, प्रत्येक संख्या की जो ये प्रत्येक माप है इनमें क्या किया, ए जोड़ देते हैं, इन सब में क्या कर देते हैं, ए को जोड़ दिया, ठीक है ना, सब में ए को जोड़ दिया, जो सभी मापन है उनमें क्या कर दिया, हमने ए को जोड़ दिया। 4 मापन उनका औसत कितना था, 20, इन 4 मापन इनका औसत कितना है, 20 है, जब ए को प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया तो औसत क्या हो गया, 22 हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया, 22 हो गया, तो हमें ए का मान ज्ञात करना। अब यहां पर ध्यान से बात को देखना कि यहां पर हमने ए जोड़ा तो 20 से 22 औसत हुआ, यानी कि परिवर्तन कितना आया, 2 का आया, किसकी वजह से आया, 1 की वजह से, यानी ए जोड़ने की वजह से कितना परिवर्तन आया, 2 का परिवर्तन आया, तो ए का मान भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ए का मान कितना है, 2 है, जो कि आपका क्या है, आंसर है, जो कि आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 लड़के तथा 3 लड़कियां औसत रूप से 120 रुपए खर्च करती हैं, यदि लड़के औसत रूप से 150 रुपए खर्च करते हैं तो लड़कियों का औसत खर्च कितना है, हमें यह ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, 4 लड़के यानी 4 बॉयज प्लस 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां, 3 गर्ल्स मिल करके क्या करते हैं, मिल करके कितना खर्च करते हैं, 120 रुपए खर्च करते हैं औसत रूप से, ठीक है ना, यानी औसत रूप से जो शब्द दे रखा है, औसत रूप से, ये जो सेंटेंस है इसका मतलब क्या होता है कि एक जना कितना खर्च करता है, औसत रूप से 120 रुपए खर्च करता है, यानी कि 4 लड़के और 3 लड़कियां, यानी 7 जने मिलकर के कितना खर्च करेंगे, 7, 4 और 3 कितने हो गए, 7, यानी कि 7 में से जो अकेला है, एक जना है, वो कितना खर्च करता है, 120 खर्च करता है, तो 7 मिलकर के कितना कर देंगे, ये 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7 मिलकर के, औसत रूप से, शब्दों पर ध्यान देना, औसत रूप से का मतलब होता है सिर्फ एक जना, ठीक है ना, एक जना अगर 120 खर्च करता है तो 7 जने मिलकर के क्या कर देंगे, 840 रुपए खर्च करेंगे 4 जने मिलकर के। उसमें से आगे देखकर यदि लड़के औसत रूप से 150 रुपए खर्च करते हैं, यानी एक लड़का क्या करता है, 150 रुपए खर्च करता है, तो लड़के है कितने, 4 लड़के, तो 4 इंटू
150 यानी 150 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600, यानी कि चारों लड़के मिलकर के 840 में से 600 खर्च करते हैं, तो पीछे कितना बचा, 240 बचा। और ये 240 कौन खर्च करेगा, लड़कियां खर्च करेगी। और लड़कियां है कितनी, 3 है, ठीक है ना, लड़कियां कितनी है, 3 लड़कियां हैं, तो हम 240 बटा 3 कर देते हैं। औसत का फॉर्मूला जानते हो, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी यार राशियों का योग कितना हुआ, 240। किसके लिए, छात्राओं के लिए यानी लड़कियों के लिए। और लड़कियां है कितनी संख्या में, 3 है, तो 240 बटा 3 यानी कि क्या हो जाएगा, 80 रुपए खर्च औसत होगा लड़की का। यानी एक लड़की 80 रुपए खर्च करेगी, दूसरी लड़की 160 और तीसरी लड़की 240 रुपए पूरे खर्च कर देगी, यानी 80-80 रुपए खर्च करेगी। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 80 रुपए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। कोई संख्या है, 9 संख्या है, वो क्रम से है और उनका औसत कितना है, n है। यदि अगली दो संख्याओं को भी समीहित कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, न्यू एवरेज क्या होगा, मैं ये बता करना। तो एक बात को ध्यान में रख लेना कि यदि कोई भी संख्या क्रमागत रूप से दे रखी है और उसके साथ में न सम लिखा हुआ ना विषम लिखा हुआ, यानी यहाँ पर जो 9 क्रमागत विषम संख्या है, सम संख्या है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, जब ऐसा कुछ भी न लिखा है तो आपको क्या करना होता है, जो यहाँ अगली संख्याएं दे रखी होती हैं, यानी अगली 3, अगली 2, अगली 4 जो भी संख्या है, उनका हमेशा आधा क्या कर देना है, एवरेज में जोड़ देना होता है। यानी 2 का आधा कितना होगा, 1, तो कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। और यदि यहाँ सम दिया होता, यदि यहाँ सम दिया होता, यहाँ पे इवन दिया होता, तो आप क्या कर देते, एवरेज में 2 जोड़ देते। और यदि यहाँ पर विषम यानी ओड दिया होता तो आप यहाँ पर क्या कर देते, 3 जोड़ देते। तो यहाँ पर क्या दे रखा, न सम दे रखा न विषम दे रखा, यानी कि सिर्फ 9 क्रमागत संख्या पूछिए, तब आप क्या कर दोगे, एवरेज में 1 जोड़ दोगे, यानी कि प्लस 1 का परिवर्तन आएगा और किसमें आएगा, औसत में। तो n प्लस 1 जो होगा वो आपका क्या होगा, नया औसत होगा, ठीक है। जो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। प्रथम 3 संख्या है उनका औसत चौथी संख्या का दुगुना है, चारों संख्याओं का औसत 12 है। जो चार संख्या है उनका औसत क्या है, 12 है, तो चौथी संख्या क्या है, ये ज्ञात करना। मान लेता हूं कि वो चारों संख्याएं कौन थी, ए बी सी और डी, ठीक है। अब देखो, प्रथम 3 संख्या, ये जो प्रथम 3 संख्या है इनका औसत चौथी संख्या का दुगुना है। मैं मान लेता हूं कि प्रथम संख्या उसका औसत 1 है, कितना है, 1 है, तो 1 का दुगुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2, यानी कि प्रथम 3 संख्या उनका औसत क्या है, 2 है। अब ध्यान देना, यहां पर ये जो अगर 3 संख्या औसत 2 है तो तीनों संख्याओं का टोटल कितना होगा, तो आप कहेंगे भी तीनों संख्याओं को औसत से गुणा कर दो, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। और यहां पर क्या है, डी यानी जो चौथी संख्या है उसका औसत 1 है, तो ये संख्या भी कितनी है, 1 ही है, तो 1 को 1 से गुणा करने पर कहां पहुंचेंगे अपन, 1 तक। तो रेशियो में क्या आया, यहां 6 और यहां कितना, 1, तो ये जो रेशियो बना है उसका कितना बना है, 6:1 बना है, ठीक है। अब देखो, चारों संख्याओं का औसत कितना है, 12 है, यानी जो चार संख्या है, चारों संख्या उनका औसत कितना है, चारों संख्या का औसत कितना है, 12, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर ये रेशियो में टोटल कितना है, रेशियो में टोटल कितना है, तब आप कहेंगे कि 7 टोटल है रेशियो में, और कितनी संख्याओं का है, 4 संख्याओं, यानी कि 4 संख्याओं का कितना रेशियो है, 7 है, कितना है, 4, मतलब जो 4 संख्या है उनका रेशियो कितना है, 7 है, ठीक है ना। और आपको क्या चाहिए, चौथी संख्या चाहिए आपको, चौथी संख्या ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। यानी कि 12 टोटल औसत है, उनमें से रेशियो कितना है, 4 संख्याओं का 7, यानी 7/4 है, 4 संख्याओं का रेशियो कितना है, 7 है, 4 में से 7 रेशियो है। आपको क्या करना है, चौथी संख्या ज्ञात करनी है, और चौथी संख्या का रेशियो कितना है, 1 है, तो आप गुणा कर दोगे किससे, 1 से, यानी ये 12 गुणा हो जाएगा किससे, 1 से, तो क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा, 12/7/4 हो जाएगा। और ये अगर 4/4 में है तो मैं इसको ऊपर भेज देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 12 के साथ में गुणा हो जाएगा और बट्टा में कौन रह जाएगा, 7 रह जाएगा, ठीक है। 12 × 4 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा और बट्टा में क्या रह जाएगा, 7 रह जाएगा, जो कि क्या है, चौथी संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बालक ए बी सी डी, ए बी सी व डी की औसत उम्र 5 वर्ष है, ए बी डी व ई की औसत उम्र 6 वर्ष है, यदि सी की आयु 8 वर्ष है तो ई की आयु ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर क्या है, ए बी सी और डी की जो औसत आयु है वो कितनी है,
पांच वर्ष है, ठीक है ना, कितनी है पांच वर्ष, और है कितने जने, ये चार जने। इनमें से औसत आयु का मतलब क्या था, एक जने की आयु, यदि एक जने की आयु पांच वर्ष है, पांच के औसत से है, तो चारों की कितनी हो जाएगी, पांच इंटू चार यानी कि बीस वर्ष हो जाएगी। वहीं आगे देर का ए बी डी और ई की औसत उम्र छह वर्ष है, ए बी डी और ई की औसत उम्र कितनी है, छह है, और ये भी कितने जने हैं, चार जने हैं, तो छह इंटू चार कितना हो जाएगा, चौबीस वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि सी की आयु आठ वर्ष है, सी की आयु कितनी है, आठ वर्ष है, यानी ए बी सी और डी का जो औसत उम्र का कुल टोटल कितना हुआ है, बीस हुआ है, उनमें से सी का कितना, अकेले का, अकेले की उम्र कितनी है, आठ वर्ष है, यानी सी की अकेले की उम्र कितनी है, आठ वर्ष, तो बीस में से आठ जाएगा, पीछे कितना बच जाएगा, बीस में से आठ जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, बारह बचेगा, जो कि किनकी उम्र होगी टोटल, ए बी व डी की होगी, ठीक है, ए बी व डी की होगी। तो यहां पर ए बी व डी की तो अकेले की कितनी है, तीनों की कितनी होगी, अकेलों की बारह होगी, अब शेष जो होगी वो किसकी होगी, ई की होगी। तो यहां पर टोटल कितनी है इनकी, ए बी डी और ई का जो औसत उम्र थी वो छह थी, और चारों की मिलाकर के चौबीस वर्ष होगी, छह इंटू चार कितना होगा, चौबीस वर्ष होगी, उनमें से ए बी और डी की कितनी है, बारह है, तो चौबीस माइनस बारह जो होगा वो किनकी होगी, अकेले ई की उम्र होगी, किसकी होगी, अकेले ई की उम्र होगी। तो बारह वर्ष का कौन हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ई की आयु ज्ञात कीजिए, तो ई की आयु कितनी आएगी, बारह वर्ष आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के समय पति व पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, यानी उनकी जब शादी हुई तो पति और पत्नी, पति प्लस पत्नी दोनों की जो औसत आयु है वो 23 वर्ष है, शब्दों पर ध्यान देना, औसत यानी कि एक एक की, दोनों की 23, पति की भी 23 और पत्नी की भी 23, 23 और 23 कितने हो जाएंगे, 46, यानी दो जने हैं तो 2 × 23 कितना हो जाएगा, 46, ठीक है ना। ये तो क्या हुआ, दोनों की जब पति और पत्नी की जो शादी हुई थी इन दोनों की, तो उनका टोटल हो गया, टोटल योग कितना आया, 46 वर्ष आया, लेकिन यहाँ पूछा कि विवाह के पांच वर्ष बाद उनकी एक वर्ष का बच्चा है, यानी जब शादी हुई और उसके पांच वर्ष बाद में उनका एक वर्ष का बच्चा भी हो गया है, तो वो बच्चे का जन्म कब हुआ होगा, विवाह के चार वर्ष बाद, विवाह के चार वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ है, और तभी तो पांच वर्ष में एक साल का पूरा हुआ है, ठीक है ना, तो विवाह के चार वर्ष बाद उनका एक वर्ष का बच्चा है, तो ध्यान देना यहाँ पर चार वर्ष बाद, तो चार वर्ष पति ने भी लिए और चार वर्ष पत्नी भी, पत्नी ने भी लिए, तो चार और चार कितने हो गए, आठ वर्ष हो गए, कितने हो गए, आठ वर्ष हो जाएंगे, ठीक है ना, चार वर्ष बाद। विवाह के समय कितना था टोटल, 23 था, पत्नी का भी 23 और पति का भी 23। अब यहां पर पति का आना चार वर्ष बाद में कितना बढ़ा, चार वर्ष बाद चार बढ़ा, तो 23 और चार कितने हो जाएंगे, 27, और पत्नी का भी क्या हुआ, 23 में चार बढ़ा, तो उनका भी कितना हो गया, 27, तो 27 × 2 कितना हो जाएगा, 54, कितना हो जाएगा, 54, जो कि कब होगा, चार वर्ष बाद, पति और पत्नी की शादी के चार वर्ष बाद कितना होगा, आयु का योग कितना होगा, टोटल दोनों की आयु का योग 54 होगा, कितना होगा, 54, 54, ठीक है। अब आपसे पूछा कि बच्चे के जन्म के समय, बच्चे का जन्म कब हुआ, विवाह के चार साल बाद, ठीक है, जन्म के समय परिवार का औसत आयु कितनी थी। अब यहां ध्यान देना कि बच्चा जन्म ले चुका है लेकिन बच्चे की आयु 0 साल है, अभी तक बच्चा जन्म ले चुका है लेकिन बच्चे की आयु क्या है, 0 साल है, तो 0 साल का होने की वजह से वो परिवार का सदस्य तो माना जाएगा, परिवार का क्या माना जाएगा, वो मेंबर माना जाएगा, यानी कि जो राशियों का योग कितना बना 4 साल बाद, 54 बना, लेकिन जो राशियों की संख्या यानी परिवार में जो संख्या वो कितनी होगी, 3 होगी, तो 54/3 हो जाएगा, और 54/3 होता कितना है, 18 क्या हो जाएगा, बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु हो जाएगी कितनी, 18 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच सदस्यों के परिवार की औसत आयु 33 वर्ष है, पांच सदस्य हैं परिवार में, उनकी औसत आयु कितनी है, 33 वर्ष, 5 × 33 कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हासिल, 1 × 15 = 16 165 वर्ष, तीनों का योग कितना होगा, पांचों का योग कितना होगा, 165 वर्ष होगा। सबसे छोटे सदस्य की आयु 9 वर्ष है, सबसे छोटा सदस्य उसकी आयु कितनी है, 9 वर्ष है, छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी, हमें यह पता करना है। तो ध्यान देना, बच्चे का जन्म कब हुआ है, अब 9 वर्ष का बच्चा है, ठीक है ना, तो उसका जन्म कब हुआ, 9 वर्ष पहले हुआ होगा, ठीक है ना, 9 वर्ष पहले हुआ होगा, और आपको 9 वर्ष पहले का औसत आयु ज्ञात करनी पूरे परिवार की। तो देखो क्या कर लेंगे हम, पांचों सदस्यों की 9 साल की उम्र माइनस कर देंगे, यानी 45 साल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, पांचों सदस्य पर उस पुत्र के समय जो छोटा छोटा सदस्य हुआ है
उस समय क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 45 साल, तो 165 में से 45 माइनस करेंगे तो पीछे क्या बचेगा, 120 वर्ष बचेगा, जो कि पांचों की है टोटल, लेकिन उस वक्त जब सबसे छोटा सदस्य है वो 0 साल का है, वो कितने साल का है, 0 साल का है, लेकिन वो सदस्य जन्म ले चुका है, इसकी वजह से वो भी क्या होगा वहां पर काउंट होगा, तो वो वहां पर क्या हो जाएंगे सभी वो 5 सदस्य ही कहलाएंगे, ऐसे नहीं कि 4 सदस्य हो जाए, अब वो तो 0 साल का है उसको काउंट नहीं करेंगे, काउंट करना पड़ेगा, वो बच्चा जन्म ले चुका है हालांकि वो 0 साल का, इसलिए उसकी आयु है उसके साथ में ऐड नहीं हुई है, वो 0 साल का कहलाएगा वहां पे, लेकिन वो सदस्य यहां पर क्या होगा ऐड होगा। तो 5 सदस्य थे उसमें से वो छोटा सदस्य वो भी 9 वर्ष वाला भी साथ में था, अगर उसको अगर छोटे सदस्य को बाहर निकालते तो पीछे परिवार के सदस्य कितने बच जाते, 4 जने बच जाते, लेकिन यहां पर पूछा है कि छोटे सदस्य के जन्म के समय पूछा है, अगर जन्म के पहले पूछते तो हम क्या करते थे, यहां पर बट्टा में 4 लिखते, यानी भाग में 4 लिखते, लेकिन यहां पर हमें पूछा है कि छोटे सदस्य के जन्म के समय, तो वो जन्म ले चुका है तो उसका भी क्या होगा यहां पर काउंट होगा, ठीक है। तो 120 बट्टा 5 कितना हो जाएगा, 24 वर्ष, जो कि क्या है आपका आंसर है, यानी परिवार की औसत आयु है कब, छोटे सदस्य के जन्म के समय की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम 49 संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए, प्रथम 49 जो संख्या है उनके घनों का औसत ज्ञात करना है। अब ध्यान देना, यदि बात घनों का औसत की होगी, घनों के औसत की बात यदि होती है, तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, वो फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ एन प्लस वन का स्क्वायर अपॉन टू, ये बात आपको सिर्फ ध्यान रखनी है, आप आराम से आंसर लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो एन यहाँ पे कौन है, एन यहाँ पर जो ये दी गई संख्या है पूछी वो होगा, यानी एन यहाँ पे 49 है, तो एन 49 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, 49 और ऑफ 49 प्लस 1 कितना होता है 50, 50 का स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर ये जो ऑफ है 49 ऑफ 50 का स्क्वायर है, तो यहाँ ऑफ किस में है, गुणे में है, तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे 49 गुणा 50 का स्क्वायर बट्टा 2 कर दोगे, 2 से ये 50 दो बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 50 से 25 बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 49 × 25 का स्क्वायर, कितना बचेगा 49 × 25 का स्क्वायर बचेगा, 49 को अगर आप 25 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 1225 आएगा, 1225 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान देना, 1225 का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हो 1225 × 1225, ठीक है। अब ध्यान देना, आपको प्रथम 49 संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करना है, तो बट्टा में क्या लिखोगे 49 लिखोगे, ठीक है, और 49 से ये 1225 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 50 बार कैंसिल हो जाएगा, और 50 को अगर 1225 से गुणा करोगे तब क्या आएगा 61500 आएगा, जो कि क्या होगा आपका औसत होगा, किसका, प्रथम 49 संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा 61500 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम 11 संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात, इस बार वर्गों का औसत ज्ञात करना, तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, वो फॉर्मूला क्या है, n ऑफ n प्लस 1 ऑफ 2n प्लस 1 अपॉन 6, आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, और इस फॉर्मूले के प्रयोग से आप क्या लेके आ सकते हैं, आंसर लेके आ सकते हैं। देखो n यहां पे कौन है, जो दी गई संख्या है पूछी वो कितनी 11, ठीक है ना, तो 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, ऑफ 2n यानी 2 × 11, 2n का मतलब 2 × 11 कितना होता है 22 प्लस 1, 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा, मैं सीधा 23 ही लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख दूंगा 23, ठीक है, बट्टा 6 से ये 12 कितनी बार कैंसिल, 2 बार कैंसिल, तो अब ये 11 ऑफ 2 बन जाएगा, यानी 11 को आप गुणा किससे करोगे 2 से, तो गुणा किया 2 से तो क्या बना 22, और यहाँ क्या बन जाएगा 23 है, और ये भी ऑफ में है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी 22 गुणा 23 हो जाएगा कितना 506, ठीक है। अब आपसे पूछा है प्रथम 11 संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए, तो 506 बटा 11 कितना हो जाएगा 46, जो कि आपका औसत होगा, किसका, प्रथम 11 संख्याओं के वर्गों का औसत होगा, आप इस फॉर्मूले से वर्गों का औसत निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत n है, यदि अगले दो पूर्णांक भी शामिल कर दिए जाएं
तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं कि जब क्रमागत के साथ में सम या विषम न दिया हुआ आए तो हम क्या कर देते हैं, जो दो आगे आने वाले अंक हैं, जो अंक दिए गए, जैसे यहां पर अगले दो अंक दिए गए, उनका आधा एवरेज में ऐड कर देंगे। एवरेज में क्या कर देंगे, हम आधा ऐड करेंगे इसका। दो का आधा कितना होता है, एक, ठीक है ना। एवरेज कितना दे रखा है, एन। इनमें क्या किया हमने, ऐड कर दिया एक को, तो जो नया औसत आएगा वो कितना आएगा, एन प्लस वन आएगा, ठीक है। नया औसत क्या है, यानी कि जो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा, एन प्लस वन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी 4000 वस्तुएं प्रति माह की दर से 3 माह तक बनाती है, उस कंपनी को अगले 9 महीने तक कितनी वस्तुएं प्रति माह की दर से बनानी होगी, जिससे पूरे वर्ष का औसत क्या हो जाए, 4375 वस्तुएं हो जाए, प्रति माह हो जाए। तो देखो क्या करना है, 3 माह तक उस कंपनी ने क्या किया, 4000 वस्तुएं प्रति माह की दर से बनाई, यानी 4000 एक माह में बनाई, तो 3 माह में कितनी बना दी उस वस्तु, उस कंपनी ने कितनी वस्तुएं बना दी, 12000 वस्तुएं बना दी, ठीक है। अब देखो 9 महीने में वो कितनी वस्तुएं प्रति माह की दर से बनाएगी वो कंपनी, जिससे पूरे वर्ष का यानी कि 12 महीने का जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4375 वस्तुएं हो जाएगा। यानी 12 महीनों का कितना करना है, 4375 वस्तु प्रति माह करना, तो 12 महीनों का कितना हो जाएगा, 4375 को 12 से गुणा कर दो कि क्या आ जाएगा, 52500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 52500 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बीच में ये 3 महीने हैं, ये 12 महीने, बीच में कितने का अंतर है, 9 महीने का है, जिसमें कंपनी को क्या करना है, वस्तुएं बनानी है, ठीक है। तो 12000 से 52500 तक पहुंचने के लिए बीच में कितने महीने पड़ रहे हैं, 9 महीने पड़ रहे हैं, या यूं कहें कि 52500 में से 12000 माइनस कर लूंगा तो पीछे कितना बचेगा, 40500 पीछे बच जाएगा, कितना बचेगा, 40500 वस्तुएं पीछे बच जाएगा, ठीक है ना। या कहूं कि 9 महीने का अंतर बीच में पड़ रहा है, 3 महीने से 12 महीने के बीच का अंतर कितना है, 9 महीने का पड़ रहा है, फिर कहूं 12000 से 52500 वस्तुओं के बीच का अंतर कितना पड़ रहा है, 40500 वस्तुओं का पड़ रहा है। ये 40500 वस्तुएं क्या करनी पड़ेगी, 9 महीने में बनानी पड़ेगी, तो वो 1 महीने में कितनी बनाएगी, यही हमसे पूछा है। 40500 बट्टा 9 कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा 4 बार पीछे बच जाएगा 4, और इधर हो जाएगा 4500। तो 4500 वस्तुएं उन्हें क्या करनी पड़ेगी, प्रति माह 9 महीने में प्रति माह की दर से क्या बनानी पड़ेगी, 4500 वस्तुएं बनानी पड़ेगी, जिससे क्या हो जाएगा, वो 9 महीने में क्या कर लेगा, 12 महीने में क्या हो जाएगा उसका एवरेज पूरे वर्ष का, 4375 वस्तुएं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है, 11 खिलाड़ी है उनकी औसत आयु क्या हो जाती है, 2 माह कम हो जाती है, 11 × 2 = 22 माह कम होता है, सबकी औसत आयु पूछिए, औसत आयु यानी एक एक की 2 माह कम होती है, तो 11 दिनों की कितनी कम हो जाएगी, 22 माह कम हो जाएगी, ठीक है। जब कब होती है, जब 2 नए खिलाड़ी टीम में उपस्थित, 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 17 तथा 20 वर्ष है की जगह प्रतिस्थापित करते हैं, यानी कि 17 वर्ष का खिलाड़ी और 22 वर्ष का खिलाड़ी है, उनको बाहर निकालते हैं और 2 नए खिलाड़ी को टीम में लेते हैं, उनकी बदौलत ये क्या होता है, ऐसा परिवर्तन आता है। तो जो 2 खिलाड़ी बाहर निकले उनकी उम्र कितनी है, 17 और 20, यानी कि टोटल कितनी है, 37 वर्ष है। आगे पूछा तो 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, औसत आयु यानी एक खिलाड़ी कितने का हो सकता है, ये हमें पता करना है। ध्यान देना, जब बात कम की हो रही है, जब कम की हो रही है, तो जो नए खिलाड़ी, जो पुराने खिलाड़ी बाहर निकले, उनकी आयु में से जो परिवर्तन आया है उनको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये बात पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, यानी कि जो ये 37 वर्ष हुए हैं, ये जो 37 वर्ष हुए हैं उनमें से हम क्या कर देंगे, 22 माह को बाहर निकाल देंगे, 22 माह को बाहर निकालेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, 35 वर्ष और 2 माह, 35 वर्ष और क्या हो जाएगा, 2 माह पीछे बच जाएगा, ठीक है ना। ध्यान ये रखना, जब क्या होता है, कम होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और जब अधिक होता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इस बात को याद में रखना आपको, ठीक है। तो जो परिवर्तन आएगा नया, वो क्या है, 35 वर्ष और 2 माह हो जाएगा, किनका, जो 2 नए खिलाड़ी आएगा उनकी आयु का टोटल हो जाएगा इतना। लेकिन हमसे पूछा है औसत आयु, यानी एक खिलाड़ी कितने का हो सकता है,
ये राशियों का योग हुआ और राशियों की संख्या कितनी है, दो नए खिलाड़ी, खिलाड़ी कितने, दो नए खिलाड़ी है, तो उनकी औसत आयु ज्ञात करनी, तो आप भाग देंगे किसका, दो का, जब दो का भाग दोगे 35 वर्ष दो माह में तो कितना आएगा 17 वर्ष और 7 माह, जो कि क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहले तो अभाज्य संख्याएं होती क्या, इसके लिए आपको संख्या पद्धति का टॉपिक देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखना प्रथम 9 अभाज्य संख्या पूछिए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, दो, यानी प्रथम अभाज्य संख्या कौन होती है, दो होती है, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19 और उसके बाद में 23, कितनी होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हमसे पूछिए प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। एक बात आपने पहले छोटी छोटी किताबों में पढ़ी होगी कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का जो योग होता है वो कितना होता है, 9 होता है, यानी इनको आप अगर 100 होता है, कितना 100 होता है, तो आप इनको अगर सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा योग, कितना आएगा 100 आएगा, 100 आएगा, कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है ना, अब आपसे आपको पता होगा औसत का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो राशियों का योग कितना आ गया 100 आ गया, और राशियों की संख्या कितनी है बटा 9 है, तो आपको अगर 100 बटा 9 करेंगे तब क्या आएगा 11 सही 1 बटा 9 आएगा, 11 सही 1 बटा 9 आएगा, जो कि क्या होगा आपका औसत होगा। ठीक है, तो ये था हमारे औसत का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और जो भी सारी आपकी प्रॉब्लम्स है या कुछ भी कमियां अगर कहीं दिख रही हैं तो उसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और इस क्लास को, इस वीडियो को आप अपने सोशल मीडिया में और विशेष तौर से उन छात्रों तक पहुंचाइएगा, उन छात्र छात्राओं तक पहुंचाइएगा जिन्हें मैथमेटिक्स फोबिया हो रखा है, यानी गणित के नाम से भय एक है या एक बीमारी हो रखी है, गणित का नाम सुनते ही उनकी कंपकंपी सी ऐसी पैदा हो जाती है, उन तक जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।